हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एके किचन में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला पराठा। तो बहुत सारे वेजिटेबल को मिक्स करके ये पराठा हम रेडी करेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा साइज का शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज का प्याज, ये दोनों को छोटा छोटा कट कर लिया है, और एक छोटा साइज का गाजर। गाजर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक और 5 से 6 करी लीव्स। तो अदरक को ग्रेट किया है, करी लीव्स को छोटा कट किया है। तो 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ 6 से 7 पराठे बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, और इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी मैंने सब्जी लिया है वो सारा आटा के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। तो सब्जी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप इसमें बीन्स, कैबेज, सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम इसका डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेके पहले मिक्स करेंगे, तभी और पानी डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक डो रेडी कर लेना है। तो डो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अभी चलते हैं हम पराठा बनाने की तरफ। तो पराठा बनाने के लिए यहाँ मैंने सूखा आटा लिया है। थोड़ा सा आटा हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि ये आटा जो है चिपके नहीं। ये थोड़ा सा गीला होता है क्योंकि इसमें सब्जी मिक्स है, इसलिए हम थोड़ा आटा डालेंगे पहले, उसके ऊपर से ये प्रेस कर करके पराठा बनाएंगे। तो थोड़ा मोटा लेंगे हम। इसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। अभी हम बेल लेंगे और इसमें से हम कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने डिब्बे का एक ढक्कन लिया है, इससे छोटा सा कट कर लेंगे और बाकी का आटा हम हटा देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा पराठा रेडी हो गया। इस तरह से ही हम सारे पराठे को बना लेंगे। तो अभी हम चलते हैं दूसरा पराठा बनाने। फिर थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे और थोड़ा ज़्यादा आटा करके हम लेंगे ताकि हम इसमें से कट कर सकें। इसको थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे, रफली बेलेंगे क्योंकि इसमें से हमें कट ही करना होता है, इसलिए आप रफली बेल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है। तो बाकी के पराठे भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसको सेकने के लिए। यहाँ मैंने एक तवा मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इस पर हम पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर अभी हम पराठा डालेंगे और दूसरी तरफ भी हम रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से इसको इस तरह से सेक लेंगे। तो ये वेजिटेबल पराठा बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, अपने घर पे कभी भी ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो ये नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो इस तरह से हमारा एक पराठा रेडी हो गया। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। पहले थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस पराठे के साथ आपको कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप चटनी, सॉस किसी भी साथ खा सकते हैं। तो अभी इस तरह से हम दूसरा पराठे पे तेल लगा लेंगे और इसको पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। सारे पराठे को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो डिश हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने सॉस के साथ सर्व किया है, आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।